हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि सहमे यूट्यूबर एक्स की ट्रिक टेक एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मजेदार टेक न्यूज़ फ्रेंड्स, जो आपके लिए जानकर बहुत ही अच्छी लगेंगी। फ्रेंड्स, आइए चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं प्यारी प्यारी टेक न्यूज़ को। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट अपडेट आता है हमारे पास ओप्पो की तरफ से। ऐसी कुछ इमेजेस सामने आ रही हैं जिनसे पता चलता है कि ये शायद आपको मिल सकता है देखने को ऐसी डिजाइन ओप्पो F11 या ओप्पो R19 में। इन दोनों में से ज्यादातर डिजाइन इसका माना जा रहा है कि ओप्पो F11 हो सकता है। इन पिक्चर से पता चलता है कि आपके लिए ओप्पो F11 में पेरिस्कोपिक सेल्फी कैमरा का सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स, और डुअल कैमरा का सपोर्ट और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपके लिए। अब देखते हैं किस तरह से ये स्मार्टफोन आता है और आपके लिए इसमें सेल्फी कैमरा होगा वो पॉपअप वाले डिजाइन का मिलेगा, जैसा कि वीवो नेक्स्ट में आपके लिए देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ऐसी लीक आती है हमारे लिए ओप्पो की तरफ से। अब देखते हैं ये किस स्मार्टफोन की लीक आ रही है हमारे सामने और ये कौन सा डिवाइस आगे हमारे लिए देखने को मिलेगा ओप्पो की तरफ से और क्या फीचर्स के साथ ये आएगा मार्केट में। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स, वो भी हमारे लिए ओप्पो की तरफ से आता है, जो कि अभी तक ओप्पो का सुपर बूप चार्जर आपके लिए देखने को मिलता था स्मार्टफोन में, जो कि बहुत ही जल्दी स्मार्टफोन को चार्ज करता है, फिर वो चाहे फाइंड एक्स हो या ओप्पो का R17 प्रो हो। अब लेकिन आपके लिए वो स्मार्टफोन में जैसा भी सुपर बूप का चार्जिंग का सपोर्ट मिले, बट जब आपके लिए वो ट्रैवलिंग के टाइम चार्ज करना पड़ता था तो आप कार के सिंपल चार्जर में उसके लिए चार्ज पर लगाते थे, जिससे शायद उसकी बैटरी को भी अफेक्ट पड़ता था। इसलिए ओप्पो ने अपना एक लॉन्च कर दिया है सुपर बूप चार्जर फॉर कार, मतलब कि सुपर बूप चार्जर आपके लिए लॉन्च कर दिया है जो आप कार में यूज कर सकते हैं। उसकी प्राइस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो $30 के करीब उसकी प्राइस आती है हमारे लिए, मतलब कि ₹2000 के करीब में आपके लिए सुपर बूप चार्जर मिल जाएगा कार के लिए फ्रेंड्स, जिससे आप अपने फाइंड एक्स, R17 या वो सारे स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं जिसमें सुपर बूप का सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारे पास सोनी की तरफ से। ऐसा पता चलता है फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आपके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन बताई थी सोनी एक्सपीरिया SZ4 की, तो अब हमारे पास थोड़ी सी कैमरा की लीक भी आती है, जिसमें आपके लिए सबसे हाईएस्ट कैमरा क्वालिटी मिल सकती है इस स्मार्टफोन में, जो होगी 52 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर की। फ्रेंड्स, अभी तक आपके लिए सबसे ज्यादा कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल Honor View 20 का, बट अब ये स्मार्टफोन का कैमरा हो सकता है जो सबसे ज्यादा क्वालिटी लाता है अपने साथ 52 मेगापिक्सल का। इसमें आपके लिए ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपके लिए 16 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा आपके लिए 52 मेगापिक्सल का और थर्ड कैमरा आपके लिए 0.3 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। ऐसी न्यूज आती है हमारे लिए सोनी की तरफ से फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स, वो हमारे लिए आता है Xiaomi की तरफ से। जैसा आपके लिए कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि आपके लिए Xiaomi का Redmi Go लॉन्च हो चुका था यूरोप में, अब ये लीक आती है हमारे पास कि Redmi Go आपके लिए देखने को मिल जाएगा फिलीपींस में, जो कि प्री ऑर्डर्स के लिए आ चुका है फ्रेंड्स। उसकी प्राइस की बात करते हैं तो $75 के करीब फिलीपींस में इसकी प्राइस आती है सामने, मतलब कि 57 से 5800 रुपए के करीब की इसकी प्राइस आती है फ्रेंड्स। अब देखते हैं ये इंडिया में आता है या नहीं फ्रेंड्स, और एंड्रॉइड गो के साथ रेडमी का कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए इंडिया में देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, मतलब कि एक बजट स्मार्टफोन कब देखने को मिल सकता है इंडिया में रेडमी की तरफ से फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारे पास एप्पल की तरफ से। ऐसा पता चलता है फ्रेंड्स कि जो एप्पल का 2019 का iOS वर्जन होने वाला है, मतलब कि iOS 13 होने वाला है, जो उसमें आपके लिए सपोर्ट मिल सकता है डार्क मोड का। जैसा कि ऐसी लीक के माध्यम से पता चलता था कि एंड्रॉइड क्यू में भी आपके लिए डार्क मोड का ऑप्शन मिल सकता है इस ईयर में, तो शायद एप्पल भी अपने iOS 13 में डार्क मोड का सपोर्ट ला सकता है। अगर आपके पास एक iOS डिवाइस है तो आप खुश हो जाइए कि इस ईयर में आपके लिए iOS 13 में डार्क मोड का अच्छा ही ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप मोबाइल को डार्क मोड में भी यूज कर सकते हैं और वो थोड़ा अच्छा लुक बनाता है स्क्रीन पर डार्क मोड फ्रेंड्स। और इसमें आपके लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी मिल सकते हैं जो कि आईपैड के लिए हैं। अब देखते हैं 2019 सितंबर में जब आपके लिए iOS 13 का अपडेट आता है, फिर देखते हैं कौन से फीचर्स के साथ एप्पल ये iOS में लाता है फ्रेंड्स और कितना मार्केट को कवर करता है न्यू iPhones फ्रेंड्स। यही थी आज की टेक न्यूज फ्रेंड्स। अगर आपको ये टेक न्यूज अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, बिकॉज मैं आपके लिए वहां पर डेली टेक न्यूज अपलोड करता हूं फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो जल्दी ही मिलती रहे। बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे आपके लिए नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के डलते साथ ही मिल जाए फ्रेंड्स, और लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो
एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में फ्रेंड्स।